तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्किन वाइटनिंग फेस मास्क बनाने जा रहा हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप इंस्टेंटली अपनी स्किन को गोरा कर सकेंगे। सर्दियाँ हैं, चूँकि हर बंदा धूप में बैठता है और स्किन उसकी डल हो जाती है और खुश्की हो जाती है। सुबह जब आप फेस को वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश्की आपके फेस से गिरती है, तो उस सब का सलूशन आज की वीडियो में मौजूद है। स्किन को वाइट करना, स्किन से हर किस्म के दाग धब्बे और दानों का खात्मा करना और स्किन को वाइट, ग्लोइंग, ग्लासी बनाने के लिए आज एक बहुत स्पेशल रेमेडी पेश करने वाला हूं, जिसका देखना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, देसी एल ट्रिक्स और देसी एल टी वी दोनों को सब्सक्राइब करिए, दोनों मेरे चैनल हैं और किसी के भी नहीं है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आज की रेमेडी को शुरू करते हैं। आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों एक बाउल चाहिए होगा, ठीक है, इसको मैं यहां पर रख देता हूं। सबसे पहले इसमें ऐड करना है दोस्तों पोटैटो, ठीक है, आलू। आलू का फेशियल हम बना रहे हैं, ठीक है, आलू का एक फेस मास्क हम बना रहे हैं। ये इस तरह से आलू को बॉईल कर लें और फिर सिंपली इस तरह से आप करेंगे तो इसका छिलका सारा उतर जाएगा, ये आप देखें, ठीक है। बॉईल करके इसका आप लोगों ने छिलका उतार लेना है, इजीली उतर जाता है, बजाय इसके कि कच्चे आलू से लड़ते रहे आप लोग। अब इसको हमने इस तरह से आलू की ऊपर की जो जिल्द है उसको हमने ऐसे उतार लेना है, ठीक है। आलू को हमने इस तरह से, बजाय इसके कि आप उसको रगड़ें और बहुत ज़्यादा मज़ामत करें, इस तरह से इजीली आपको ये मिल जाएगा। ये इस तरह से ऐसे बीच में डालिए, ठीक है। अब फॉलो करते जाइए, मुझे बाद में मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे कि यार ये कैसे है वो कैसे है, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइम नहीं होता। आप लोगों को पता है मैं कितना बिजी हूँ, दो दो चैनल्स को रन करना और फिर साथ में और भी कट्टे होते हैं बहुत सारे, तो इसलिए मेहरबानी किया करें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, वीडियो को गौर से देख लिया करें ताकि मुश्किल आपको पेश ना आए। आज का जो फेस मास्क दोस्तों तैयार हो रहा है, मैं नहीं समझता कि इसको यूज़ करके कोई बंदा काला रह सकता है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, इसके बेनिफिट ले चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ। बस इतना सा आलू का आप लोग ये ले लीजिए, हाथ भी मेरे गंदे हो चुके हैं यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करनी पड़ती है लेकिन आप लोग बिल्कुल भी उसका सिला नहीं देते मुझे। अब इनको आप लोगों ने इस तरह से मैश करना है, आलू को ये ऑलरेडी मैश है बिल्कुल, इसको ज़रा एक सीधा कर लें ताकि जितनी और चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करेंगे वो ईजिली इसमें डिज़ोल्व हो जाएँ। सेकेंडली हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों ये योगर्ट यानी दही। दही खालिस, जब आप चेहरे की बात करेंगे या अपने ऊपर किसी चीज़ को अप्लाई करने की बात करेंगे तो खालिस चीज़ हम लेंगे, ठीक है। अगर आप फेस को वाइट करने जा रहे हैं, ग्लोइंग बनाना जा रहे हैं, तो हनी आप स्किप हरगिज़ नहीं कर सकते। हनी आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने हनी लाजमी इसमें ऐड करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सूट नहीं करता, भाई खाना नहीं है, आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, लगाना है अपने फेस पर। एक चम्मच के बराबर हम इसमें हनी ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं दोस्तों ये यानी कि लेमन्स। हम इसमें हाफ लेमन ऐड करेंगे, ठीक है, पूरा अगर आपके पास छोटा लेमन है तो पूरा ऐड कर लीजिए, बड़ा है तो हाफ आप यूज़ करिएगा। बातें करने वाले इतने इस दुनिया में मौजूद हैं लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता यार, ये मैंने वर्ल्ड इस पूरी दुनिया का निचोड़ निकाला है, लिहाजा जो तनकीद करता है उसे करने दो, उसका हक है यार, ठीक है, आप अपना काम करो जो आप कर रहे हो। एलोवेरा जेल स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसमें एक चम्मच हम भर के एलोवेरा जेल का ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा ये एक स्किन वाइटनिंग फेस मास्क रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा फेस मास्क है ये। मैं आप लोगों को अपने हाथों पर लगा के बताऊंगा, मेरा फेस अगर सामने होता तो वो भी मैं आपको लगा के बता देता, ठीक है। फिलहाल मैं आपको अपने हाथों पर लगा के बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसके यूज़ करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर करिएगा। अच्छा, इसको इस तरह से उठाइए, अपने फेस पर इस तरह से लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। पोटैटो ऐड हुआ है इसमें, आलू है, स्किन को ग्लासी बनाने के लिए और वाइट करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों ये। इस तरह से आप लोगों ने अपने फेस पे लगाना है, इसको लगा कर आप लोगों ने छोड़ देना है, तकरीबन से तकरीबन एक घंटे के लिए इसको छोड़ना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने फेस को वॉश नहीं करना, इस तरह से कुछ करना है, कोई भी एक कपड़ा लें उसके साथ इसको ऐसे रिमूव कर देना है, ठीक है, इस तरह से।
रिमूव करके फिर इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या कुछ भी अपने फेस पे लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको लगा लेने के बाद आपकी स्किन बहुत ही कमाल की हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ ऐसा वैसा अपनी स्किन पे लगाएं, कुछ इंग्लिश मेडिसिन लगाएं या कुछ और ऐसा गड़बड़ करें जिससे आपको नुकसान हो, लिहाजा ये रेमेडीज़ बहुत कमाल की होती हैं। इंग्लिश क्रीमों से बेहतर है आप लोग इसको अप्लाई करें और जब ये सूख जाएगा आपके चेहरे पर, पहले तो कोशिश करें कपड़े से उतर जाए, टिश्यू से उतर जाए, अगर नहीं उतरता तो इसको ऐसे रब करके आप लोगों ने उतारना है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से रब करने से आपकी अंदर वाली जो स्किन होती है वो बाहर आएगी, चमक निकलेगी आपकी स्किन से और बहुत ही ज़्यादा आपको वाइटनिंग मिलेगी। बहुत कमाल का टोटका है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे शेयर कर दें ताकि मेरा भी भला हो और आप लोगों का भी भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।